उन्होंने ऐलान किया है कि वो लगातार इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। उस इलाके से जो भी इसराइल का जहाज गुजरेगा उसे पकड़ते रहेंगे और सीज करते रहेंगे। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का वीडियो रिएक्शन का जो टॉपिक है, इसराइल की जो आतंक है वो अब कहीं ना कहीं बंद होने वाली है। जो सही इंसाफी पसंदीदा लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि पैलेस्टीन के ऊपर दोबारा से वॉर नहीं होना चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। इस पूरे मैटर की अपडेट जो है हमारे रजा सर देने वाले कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या इसराइल पैलेस्टीन के ऊपर दोबारा से वॉर नहीं करेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग सारी बातें समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, डील हो गई है। डील के काफी सारे अहम हिस्से हैं। मैं आपको 48 घंटे से पहले आपको हिंट देना शुरू कर चुका था और आपको कल ही मैंने बता दिया था रात को ही कि सीज फायर लगभग होने वाला है। लीजिए, सीज फायर आज से, यानी समझ लीजिए सुबह 10 बजे से कुछ ही घंटे के बाद जो है सीज फायर हो जाएगा। इसराइल गाजा पर हमले नहीं करेगा, हालांकि इसराइल की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि अब आगे देखना है कि सच में क्या इसराइल सच में हमला करना बंद करेगा, लेकिन इसराइल पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, इसकी बहुत सारी वजह है। दोस्तों, डील के अंतर्गत बात यह है कि गाजा के जो लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, वो हर दिन 10 कैदियों को, यहूदी कैदियों को रिहा करेंगे। इसी तरह से 10-10 करके 5 दिन यानी 50 कैदी, और इसी तरह से इसराइल भी 30-30 कैदी रोज, और जो ह्यूमनिटेरियन के ट्रक हैं वो 50 से ऊपर या 50 से ज़्यादा जाने दिया जाएगा ह्यूमनिटेरियन एड का गाजा के अंदर। एक बड़ी डील ये भी है, इसी डील का हिस्सा, कि सीज फायर में जो ड्रोन उड़ता है इसराइल का गाजा के ऊपर वो नहीं उड़ेगा। यानी गाजा के ऊपर जिस तरह से ड्रोन उड़ाकर इसराइल नज़र रखता है, इस सीज फायर के दौरान ड्रोन तक गाजा के आसमान पर नज़र नहीं आएंगे। ये बात क्लियर है। अब आगे डिटेल में क्या है वो छोड़ दीजिए। यमन ने पहले ही मना कर दिया, कल ही मना कर दिया था कि इस डील का हिस्सा हम नहीं हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ बयान देने के बाद यमन ने उसी वक्त इसराइल पर हमला किया और आज भी इसराइल पर हमले किए हैं। इसराइल और गाजा की जो डील हुई है उस डील से यमन खुद को बाहर रखता है और उसका कहना यह है कि हमने क्रूज मिसाइल तक इसराइल पर दागी एलबित के इलाके पर, जिसे इसराइल ने रोका, और इसी तरह से हमला करते रहेंगे। बाकी यमन की नेवी की बात करें तो यमन की नेवी ने क्या खेल खेला है, आपने देख लिया कि किस तरह से इसराइल के एक बड़े से कार्गो जहाज को पूरी तरह से डाइवर्ट कर लिया, पूरी तरह से हाईजैक कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। अब यमन की नेवी ऑफिशियली सामने आई है, जो यमन के नेवी कमांडर हैं वो फिर से युद्धपोत और एयरक्राफ्ट करियर पर जाकर उन्होंने दौरा किया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो लगातार इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। उस इलाके से जो भी इसराइल का जहाज गुजरेगा उसे पकड़ते रहेंगे और सीज करते रहेंगे। सुनिए। على أعداء الإسلام وبحكمة قيادتنا السياسية والعسكرية بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، أصبحت اليمن رائدة في مواقفها السياسية والعسكرية، وأثبتت ذلك في مشاركتها في الحرب، في حرب الكيان الصهيوني المكرم مع المقاومة الفلسطينية. لذلك نقول للعالم كله أن اليمن وبقواتها المسلحة جاهزين وبقدرات عالية. अब वक्त है ताज़ा आंकड़ों का। इसराइल ने 14,532 लोगों को कत्ल गाजा में कर दिया है, जिनमें 6,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। बच्चों के मारे जाने की संख्या बढ़ चुकी है और घायलों की तादाद 30,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब आपको एक बड़ी बात बता दूं, इसराइल के खिलाफ कई सारे देशों ने अलग अलग कदम उठाए हैं। अब इस ग्राफ के जरिए समझ लीजिए कि किसका
कदम ज्यादा खतरनाक है। ये देखिए जो दो देश हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया है रिलेशंस, किसने? इसराइल के साथ, बेलीज ने और बोलिविया ने, ठीक है। और आगे देखिए उसके नीचे जो है, रिकॉल्ड ऑल डिप्लोमेट्स, अपने सारे डिप्लोमेट्स को साउथ अफ्रीका ने इसराइल से बुलाया, और पुश फॉर लीगल एक्शन, पांच ऐसे देश हैं जिन्होंने इसराइल के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग करी है। पांच ऐसे देश हैं जिन्होंने लीगल एक्शन की मांग करी है, वो ये हैं कि साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस और जिबूती। अब रिकॉल्ड एम्बेसडर, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन देशों ने अपने एम्बेसडर को बुलाया है वो ये देश हैं, कोलंबिया, चिली, होंडुरस, तुर्की, बहरैन, जॉर्डन, चाड। जो दूसरे देश हैं जिन्होंने स्टेप उठाया है इसराइल के खिलाफ वो हैं नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन और आयरलैंड ने इसराइल के खिलाफ वोटिंग करी है कि हमारे देश से तमाम डिप्लोमेट्स इसके निकाल देने चाहिए और इसराइल से रिश्ते खत्म करने चाहिए। अपनी पार्लियामेंट में बात आयरलैंड ने कही और कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल को घसीटना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैंने ग्राफ बताया है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। उधर IAEA के चीफ ने कहा कि इसराइल के मंत्री ने जिस प्रकार से परमाणु दागने और हमला करने की धमकी दी वो बहुत ज़्यादा घटिया पंथा और बर्दाश्त के काबिल नहीं था, वो बहुत ही क्रूरता थी और उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों फिलहाल लाइव आपको बता रहा हूं कि इस वक्त अरब के तमाम देश UK पहुंच चुके हैं, ब्रिटेन पहुंच चुके हैं, अरब लीग और जितने भी अरब लीग में आने वाले देश हैं और मुस्लिम देश हैं वो तमाम के तमाम देशों के विदेश मंत्री, और साथ में इसी संगठन के साथ अब तुर्की भी जुड़ गया है, तुर्की के विदेश मंत्री भी इन्हीं के साथ हैं, और ये तमाम मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, ऐसे हाई लेवल के लोग इस वक्त ब्रिटेन में मौजूद हैं और गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आइए इसके बाद मैं आपको 3D ग्राफिक्स से दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए कहां कहां से आवाज उठी है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हुआ है। सबसे पहले बता दूं 7 अक्टूबर से यह हुआ है, सबसे पहले तुर्की में जोरदार प्रदर्शन हुआ, उसके बाद प्रदर्शन हुआ ईरान में, जो येलो आइकन नजर आ रहे हैं देखिए यमन में, उसके बाद US में, ये जो येलो येलो डॉट है ना यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हैं प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका में देखिए कितनी जगह प्रदर्शन हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि लगभग पूरी दुनिया में 100 देशों में इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। सीज फायर भले ही हो गया हो लेकिन हमले का डर हमेशा सता रहा है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। जय हिंद। ये बहुत अच्छी खबर थी कि अब जो है पैलेस्टीन और गाजा के ऊपर जो है हमले अब बंद हो जाएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। इसराइल वालों पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, मतलब ना के बराबर ही, उन लोगों का कोई ठीक नहीं कब कहां से हमला कर दे। लेकिन अभी जो आवाज उठी है इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और जो इंसाफी पसंद लोग हैं, जो मतलब सच के साथ है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे इस बात को लेकर के कि अब जो है वॉर उन लोगों के ऊपर नहीं होने वाली है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, इन सब की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि आने वाले कल में हम लोग पैलेस्टीन के बारे में ऐसा ना सुने, पैलेस्टीन या गाज़ा के बारे में ऐसी न्यूज़ ना सुने कि फिर से उन लोगों पर वार हुआ है और उन लोगों की जान जो है खतरे में है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप सब ने इसराइल के प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया है उसी तरीके से बॉयकॉट जो है जारी रखें और पैलेस्टीन के सपोर्ट में, पैलेस्टीन के हक के लिए खड़े रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट, नए वीडियो रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।